देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज के खास कार्यक्रम उड़ान में आपका स्वागत है। हर बार नई प्रतिभा के साथ हम आपके पास, और इस बार हमारे साथ सक्षम गुप्ता है। सक्षम गुप्ता की खासियत यह है कि वो बहुत छोटी उम्र के थे तब से घुड़सवारी कर रहे हैं, जो एक बहुत कठिन काम माना जाता है। सक्षम, आपका स्वागत है। सक्षम, आप घुड़सवार हैं, घुड़सवारी करते हैं, कब से आपको ये शौक? ये बेसिकली फिफ्थ क्लास से चालू हुआ, स्कूल से। कब आपको लगा कि मुझे घुड़सवारी करनी चाहिए? क्या था, स्कूल में कोई एक्टिविटी थी या डर नहीं लगा कभी घोड़े पे चढ़ने में? नहीं, स्टार्टिंग में डर तो लगा था, पर जब स्टार्ट करा उसके बाद थोड़ा टाइम हुआ, उसके बाद लगा कि हाँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ और इसको मैं आगे करना चाहूँगा, तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर वैसे ही अभी। जब क्लास फिफ्थ में आप थे और जैसा आप बता रहे हो स्कूल एक्टिविटी थी, तो आपको डिसाइड करना था कि कौन सा स्पोर्ट लेना है, तो इतना टफ स्पोर्ट आपने कैसे सुना और सोचा? और उसके बाद घर में जब आके आपने मम्मी पापा को बोला कि मुझे घुड़सवारी करनी है, तो क्या रिएक्शन था? नहीं, ऐसे तो मतलब डायरेक्ट हॉर्स राइडिंग चूज नहीं करी थी, और भी क्रिकेट, फुटबॉल और भी स्पोर्ट्स खेले, उसके बाद करा कि चलो ये भी एक बार करके देखते हैं, पर फिर उसमें इंटरेस्ट आया और एनिमल्स बेसिकली पसंद ही थे मुझे, तो फिर उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया। सक्षम को एनिमल्स बहुत पसंद है, इसीलिए थोड़ा इंटरेस्ट उनका घुड़सवारी की तरफ आ गया। लेकिन घर पे क्या रिएक्शन था? घर पे स्टार्टिंग में तो उनने कहा कि कैसे करोगे, मतलब कोई और स्पोर्ट होता तो ठीक था, फिर जब उनने एक दो बार देखा मुझे करते हुए तो उनको लगा कि हाँ, ये कर सकता है, तो फिर उसके बाद पापा मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा। मम्मी को उस वक्त डर नहीं लगा कि मेरा बेटा गिर जाएगा या कैसे घोड़े पर? डर तो रहा था, और बहुत बार गिरा भी हूँ, बहुत बार लगी भी है, पर था कि अब करना है तो फिर चोट। कब आपको लगा कि अब मैं इस को घुड़सवारी को और आगे बढ़ाऊं, इसको अपने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, कहां तक आपने इसको खेला? मैंने नेशनल तक खेला है, बाकी एट्थ क्लास में पहली बार बाहर खेलने गया था, मैं कोलकाता गया था 2013। घर से कितना सपोर्ट मिलता है? घर से तो अभी भी सपोर्ट है, घर से तो कभी सपोर्ट के लिए वो नहीं, घर से पापा मम्मी फैमिली पूरी सपोर्ट करती है। सक्षम, घुड़सवारी के अलावा और क्या शौक है आपके? उसके अलावा रीडिंग और म्यूजिक सुनना मेरे को बहुत पसंद है। म्यूजिक सुनना सिर्फ पसंद है या थोड़ा बहुत गाते भी हैं? गाते हैं, सुनना पसंद है। सुनना पसंद है। सक्षम, घुड़सवारी जब हम करते हैं तो क्या अपने मन में चलता है? कभी डर लगा, कभी लगा कि नहीं अब मुझे हवा से बातें करनी? नहीं नहीं, डर अगर आपको लगेगा तो फिर आप कर नहीं सकते राइडिंग। बाकी दिमाग में तो ये चलता है कि अब ये अपना जो घोड़ा है वो क्या करेगा, क्या कर सकता है, अपन को क्या करना है, और बस कोऑर्डिनेशन के बारे में ही चलता रहता है दिमाग में, बाकी डर अगर आप सोचोगे तो आप। शुरुआत में क्या होता है, आप घोड़े को चला रहे थे या घोड़ा आपको घुमा रहा था? नहीं, स्टार्टिंग में तो घोड़ा ही घुमाता है सबको, कोई भी बैठे स्टार्टिंग में घोड़ा ही घुमाएगा, बाद में जब आप समझ जाओगे तो आप उसको घुमा सकते हो, नहीं तो स्टार्टिंग में तो वही। कितना समय लगा था पहले आपको घोड़े ने घुमाया, और कितना समय लगा कि फिर आपने घोड़े पे कमांड करना शुरू? 2 साल तक तो उसने घुमाया। 2 साल आपको उसने घुमाया, तो 2 साल आपने घोड़े की पीठ पे बैठ के सैर करी, उसके बाद आपने घोड़े की फितरत को समझा। कैसे आप उस समझ में आए कि घोड़े की क्या फितरत है, अब इसको मैं कैसे दौड़ा सकता हूँ? वो तो हर घोड़े पे डिपेंड करता है, सब जैसे अपन ह्यूमन है वैसे ही वो भी है, हर घोड़ा अलग अलग सोचता है, बस ये है कि आप उसको जब जितना राइड करते जाओगे आपको समझ में आएगा कि ये क्या सोचता है, ये किस जगह पे क्या कर सकता है, तो उस हिसाब से आपको समझ में आता है कि ये ऐसा करेगा, ये इसकी वो है फितरत है। जब आप कंपटीशन पे जाते हैं, जब जैसा आपने बताया पहले, सबसे पहले आपने स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, जब फर्स्ट टाइम आपने स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तब घोड़ा वही रहा होगा जिस पे आपने प्रैक्टिस की, उसके बाद जब आप बाहर खेलने जाते थे तो हर बार घोड़े चेंज हो जाते थे, तब उनको एकदम से कैसे हैंडल करते थे? पर वो तो प्रैक्टिस से आप समझ जाते हो थोड़ा जल्दी करना, जैसे स्टार्टिंग में तो टाइम लगता था, पर अभी जैसे कोई नए घोड़े पे बैठो तो आपको 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लगता है उसको समझने में, उसके बाद आप इतनी दिक्कत नहीं आती। क्या क्या करना पड़ता है आपको घोड़े के साथ कंपटीशन में जब जाते हैं? बहुत सारे काम होते हैं, सबसे पहले तो लॉजिस्टिक्स बहुत मेन होता है, क्योंकि यहाँ से अपने घोड़े बाहर ले जाना बहुत, एक तो कॉस्टली बहुत है और इंजरी बहुत होती है, लॉजिस्टिक्स के टाइम पे घोड़ों को इंजरी बहुत होती है, तो वो वहाँ जाके फिर देखते हैं कि कोई इंजर्ड है, कोई किसी को कुछ हो गया है, तो उस हिसाब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो स्पोर्ट है घुड़सवारी, ये यहाँ हमारे स्टेट में, अपन भोपाल की बात करें तो किस लेवल पे है?
भोपाल में तो काफ़ी अच्छा लेवल है। भोपाल में तो एकेडमी बनी हुई है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एकेडमी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वर्ल्ड टॉप क्लास है, वर्ल्ड क्लास बोलूँगा मैं भोपाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो भोपाल में तो अच्छा खासा है, और स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट भी हमेशा ऐसा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है जब आप कंपटीशन में जाते हैं, हाँ, तो किस तरीके का सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है आप लोग? पूरा जो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब होता है वो पूरा गवर्नमेंट करती है, पूरा मतलब गवर्नमेंट घोड़े सपोर्ट है। का ट्रांसपोर्टेशन सब हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से होता सब है, कुछ। उसका खाना पीना, उसका रख रखाव। अच्छा, उसके संग कोई अटेंडर वगैरह भी आप हाँ लोग? हाँ साथ में ग्रूम्स जाते हैं, सर घोड़े के, दो घोड़े के हिसाब से रहता है, दो घोड़े का साथ एक बंदा रहता है, तो जितने भी घोड़े जाते हैं उस हिसाब से बंदे भी जाते हैं। आप चूज कैसे करते हो कि मुझे इस घोड़े की सवारी करनी है? नहीं, चूज हम लोग नहीं करते हैं, वो तो कोच चूज करते हैं कि ये कोच घोड़ा। जो चूज करके देते हैं, आप हाँ उस वो घोड़े की वाला। घुड़सवारी करते हाँ हैं। नॉर्मली देखा होगा आपने कि जिंदगी में एक बार बंदा घोड़ा चढ़ता है और बारात निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर सक्षम है कि घुड़सवारी करते हैं और कंपटीशन में जाते हैं। सिर्फ रेस में दौड़ाते हैं अपना घोड़ा या उसमें और भी कलाबाजियाँ नहीं, जो बहुत होती हैं सारी देखने को इसमें हमको मिलती इवेंट हैं? बहुत सारे होते हैं, बहुत जंपिंग होती है, ड्रेसाज होता है, टेंट पेगिंग होती है, अपोलो होता है, इवेंट रेसिंग तो एक बहुत अलग गेम है, मेन जो गेम्स होते हैं वो यही होते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा गेम पसंद आता है? शो जंपिंग। आप सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट किस उसमें शो हैं? जंपिंग शो में मैं, जंपिंग में क्या करना होता है उसके लिए, कैसे कमांड करते हैं आप? इसमें हर्डल्स रहते हैं, जैसे 10-11 हर्डल्स रहते हैं एक कोर्स में, वो आपको उसका सेट रहता है कोर्स, उस हिसाब से आपको कोर्स क्लियर करना, हर्डल्स क्लियर करने होते हैं। तो सक्षम, आपने जैसे बताया मुझे फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है जब आप बाहर खेलने जाते हैं, तो परिवार भी आपका आपके संग जाके एंजॉय करता है? हाँ मतलब स्टार्टिंग में एक दो बार नहीं गए थे, उसके बाद से तो फैमिली हर बार, जहाँ भी गया हूँ हर बार गई है। मतलब धीरे धीरे आपके इंटरेस्ट में फैमिली का इंटरेस्ट हाँ जुड़ता गया और आपने एक लंबी छलांग लगाई घोड़े के साथ। पापा का तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पापा का तो मतलब ऐसा है कि अगर कभी मैं बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ अकेला, तो उनका रहता है कि नहीं, मैं भी चलूँगा, भले ही मैं 3 दिन बाद देखूँगा, पर उनका भी, पापा का भी इंटरेस्ट काफ़ी आ गया है। क्या लगता है आपको कि अकेले हम जब कुछ किसी चीज़ का शौक पाल लेते हैं और हमें वो करना होता है, वो फैमिली का सपोर्ट उसमें मिल जाए, तो वो कितना सक्सेस हो पाता है? फिर तो आप, अगर फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो फिर आपको तो 100% करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो ठीक है, पर अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सक्षम, अब आगे क्या? आपने स्टेट लेवल जूनियर खेल लिया है, आपने नेशनल लेवल जूनियर खेल लिया है, आपने बहुत सारे पदक भी जीत लिए हैं, अब आगे क्या सोचा है? इसको करियर बनाना है या फ्यूचर में अपना एज अ साइड स्पोर्ट लेकर चलना है, इसको क्या करें? नहीं, करियर तो नहीं, पर एक साइड स्पोर्ट हमेशा रहेगा, मतलब जब तक एक शौक है तो हमेशा रहेगा साथ में। आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से आज की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो घुड़सवारी जैसे स्पोर्ट्स में कम जा पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये स्पोर्ट ऐसा है कि आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस स्पोर्ट्स के लिए, इस गेम के लिए, तो आप हर आदमी नहीं कर सकता, जैसे यहाँ पे तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है तो कुछ फीस वगैरह नहीं लगती, पर अगर अपन बाहर जाएंगे तो मतलब काफ़ी हैवी फीस है, मतलब बहुत ज़्यादा फीस है, बहुत मेंटेनेंस, घोड़े का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, आपकी राइडिंग का बहुत, ये तो इस कारण से हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है करना। किस तरीके के खर्चे आते हैं अगर कोई, जहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है वहाँ पे कोई गरीब तबके का व्यक्ति या मध्यवर्गीय व्यक्ति बच्चा सीखना चाहता है, तो किस तरीके से वो अपने खर्चे मैनेज कर सकता है, क्या कर सकता है? आप थोड़ा सा उनको आइडिया कर सकते हो? अपने मतलब जैसे आप जिसके पास भी जा रहे हैं, अगर आप उनसे बात करते हैं कि मैं सीखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ काम भी करूँगा, तो आप थोड़े अपने कंट्रोल एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग लूँ, तो ट्रेनिंग तो काफ़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए आपको अपना घोड़ा खरीदना पड़ेगा, घोड़े का मेंटेनेंस, उसके साथ एक बंदा रखना पड़ेगा, वो सब के कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। आज की डेट में महंगी महंगी गाड़ियां आती हैं, उनको मेंटेन करना आसान है कि घोड़े को मेंटेन करना आसान है, क्या लगता है आपको? गाड़ियों को मेंटेन करना ज़्यादा आसान है, घोड़े को मेंटेन करना तो काफ़ी टफ है। घोड़ा दोस्त कब बना आपका? दोस्त तो जिस दिन बैठा था पहली बार, उसी दिन से दोस्त बन गया था घोड़ा तो। पहले दिन कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये अब हाँ मेरा दोस्त है। हाँ कैसे एक दूसरे की ट्यूनिंग बनी कि पहले जैसा आपने बताया 2 साल आपको उसने घुमाया,
और फिर आपने उसको दौड़ाया, तो वो ट्विनिंग क्या थी आपकी? और फर्स्ट जब आपने कंपटीशन अपना पास किया और आप एक पदक लेके घर में आए, तब क्या लगा था? उस टाइम कोलकाता की बात है 2013 की, तो जब जीता तो उस टाइम तो मतलब मेरे को भी नहीं था कि मैं जीत पाऊंगा, क्योंकि नेशनल लेवल कंपटीशन था, काफ़ी टफ था। तो और मेरे पास उस टाइम ऐसा था कि मेरा जो घोड़ा था वो इंजर्ड हो गया था, तो मैं किसी और के घोड़े पे खेला था, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि अच्छा होएगा, पर अब वो लक था या जो भी था, तो उस टाइम जीत गया मैं। तो खुशी तो बहुत थी, फिर पापा को भी, मतलब पापा को भी पहले तो था कि इसका घोड़ा इंजर्ड है तो अब देखते हैं, पर जब फ़ोन करके बताया तो पापा तो मतलब बोल रहे थे कि मैं आ ही जाता हूँ, उस टाइम इवेंट्स और बचे हुए थे, तो पापा ने बोला कि मैं तो आ रहा हूँ फ्लाइट करा के। मैंने कहा रुको अभी तो, अब आप रहने दो, अगली बार से आ पाना। मतलब वो पापा के लिए बिल्कुल वो था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे कि बच्चे ने घोड़ा दौड़ा दिया, तो उसके बाद से पापा आपके साथ हर कंपटीशन में आने लगे। मम्मा का क्या सपोर्ट रहता है? मम्मा का भी हमेशा से सपोर्ट था, मम्मी पर था कि बहन भी है साथ में, तो मम्मी इतना ट्रैवल नहीं करती थी साथ में, पर हमेशा से मम्मी ने भी सपोर्ट करा। सक्षम पापा तो जैसे आपके हर कॉम्पिटिशन को अपनी आँखों से लाइव देखना चाहते हैं, हर माता पिता की इच्छा होती है कि अपने बच्चे को हर जगह वो लाइव देख पाएं, लेकिन मम्मी आपको इंटरनली सपोर्ट कैसे करती हैं? क्या ऐसा है, जैसे आपको खाना क्या पसंद है, मम्मा क्या ऐसा खास बना कर देती हैं जो आप बहुत दिन बाद आते हैं या जीत कर आ रहे हैं, घोड़ा दौड़ा कर आ रहे हैं, तो ऐसा क्या स्पेशल आपको टेबल पर मिल जाता है जिसकी वजह से सब कुछ सारी थकान उतर जाती है? मतलब जैसे खाने का तो बहुत मैं शौकीन हूँ, बहुत खाता हूँ, तो ऐसा है कि जब भी आओ तो मम्मी को पता है कि मेरे को इसको छोले पसंद है, ये छोले टिक्की पसंद है, तो जब भी आओ तो कुछ ना कुछ मीठा या ऐसा तो मिलता ही है, वो तो हमेशा ही मिलता है, क्योंकि मम्मी को कुकिंग भी बहुत पसंद है। मम्मी को कुकिंग पसंद है इसलिए आपको खाना बहुत पसंद है, पापा को आपको लाइव देखना बहुत पसंद है, तो सिस्टर का क्या सपोर्ट रहता है आपके साथ? सिस्टर भी सपोर्ट करती है, उससे वैसे काफ़ी लड़ाई होती है, तो वैसे बताती नहीं है, पर उसका सपोर्ट भी है हमेशा। छोटी बहनें टांग खिंचाई करती हैं तो भाई मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, उनको लगता है मैं इसको बेटर करके दिखाऊं, तो आइडियल भी होते हैं कहीं ना कहीं। फिलहाल समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम सक्षम से यूं ही बात करेंगे कि वो घोड़ा दौड़ाते हैं या घोड़ा उनको दौड़ाता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, घुड़सवार सक्षम हमारे साथ हैं। सक्षम आप बहुत सारे कंपटीशन लेवल आपने फेस किए, आप अलग अलग जगह पे गए, कहाँ कहाँ आप कंपटीशन पे गए हैं? दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, कोलकाता। कोई ऐसा कंपटीशन जहाँ आप गए हों और वो आपके लिए बहुत यादगार बन गया हो, कोई ऐसी जगह जो आपके लिए यादगार पल बन गया? हाँ, पुणे मैं जब गया था तो पुणे में कंपटीशन था एनडीए में, एनडीए की एकेडमी के अंदर था, तो और हम लोग रहते वहाँ से काफ़ी दूर थे क्योंकि वो बहुत आउटर में था, तो हम लोग रोज़ जाते थे, तो वहाँ के काफ़ी इंसिडेंट्स हैं, वहाँ तो मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे। तो ऐसा क्या हुआ था, कुछ एक छोटा सा इंसिडेंट हमको भी पता चले, जो दर्शकों को पता चले और आपके मिलने वाले भी जब इस इंटरव्यू को देखे तो पता चले कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? एक बार जो हमारे कोच थे वो हम लोग लेट हो गए चोटने में, तो वो गाड़ी लेके चले गए, और फिर उसके बाद वो जो हमारे साथ असिस्टेंट कोच थे वो बस हमारे साथ थे, तो हम लोग तो वो गाड़ी लेके चले गए, तो उनने बोला कि अब तुम लोग होटल में रहो, जिस जिसके इवेंट है तुम लोग अब मत खेलो, तुम लोग सोने आए हो तो सो यहाँ पे आराम से आराम करो। तो फिर हम लोग ने उस दिन थोड़ा हो गया था काफ़ी, तो वो एक है कि मैं वो कभी भूल नहीं पाऊंगा वो दिन, मतलब कोच का पड़ी थी उस दिन, कोच का गुस्सा का सामना करना पड़ा आपको, और उस वक्त ऐसा लगा कि वाकई में हम लोग यहाँ खेलने आए हैं, सोने नहीं आए हैं, और शायद उस दिन रियलाइज किया आपने कि जो करने आए हैं वो हमें पहला करना चाहिए। सक्षम कहाँ कहाँ आपने कौन कौन से पदक जीते हैं? मैंने जूनियर नेशनल में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीते हैं, इंडिविजुअल भी और टीम भी, और अभी तक जीते होंगे 7 या 8 मेडल जीते हैं। टीम में आप क्या करते हैं? टीम में भी वही इवेंट होता है, बस 4 जनों की टीम बनती है और टॉप 3 की परफॉर्मेंस उसमें काउंट।
करी जाती है। जब जब टीम में आप लोग रहते हैं तब ऐसा नहीं लगता कि आपस में कहीं टकरा ना जाए और कुछ ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए, या इस तरीके के डर जो होते हैं घोड़े पे, चूंकि घोड़े पे हम सवार हैं, घोड़े का दिमाग अपना है और हमारा दिमाग अपना है जी। तो ऐसी कहीं ऐसी सिचुएशन बनी है? नहीं नहीं, वो अपने आप भी बहुत केयरफुल रहता है, वो भी अपने आप को हार्म नहीं करना चाहता है, घोड़ा भी अपने आप को हार्म नहीं करना चाहता है, तो ऐसे तो कभी सिचुएशन नहीं है। पर हाँ कई बार हो जाता है एक्सीडेंट, तो उस टाइम रहता है। सक्षम, जब घोड़ा दौड़ाते हैं जी, तो जैसा कि अभी मैं बोल रही थी कि घोड़े का अपना दिमाग होता है, कभी ऐसा हुआ है कि वो ठिटक गया हो, आप उसको बढ़ाना चाह रहे हो, वो बढ़ नहीं रहा है, वो मनमानी कर रहा है, ऐसी सिचुएशन आती है? हाँ ऐसा तो कई बार होता है, मतलब रेगुलरली होता है। आप मान लीजिए कि कभी उसका मन नहीं है, जैसे अपन चाहते हैं कि यहाँ चले पर वो नहीं चाहता, तो ऐसे तो कई बार दिक्कतें आती हैं। सड़क पर गाड़ी में तो पेट्रोल डाला और अपन ने सेल्फ लगाया और स्टेयरिंग घुमाया, गाड़ी दौड़ जाती है, मगर घोड़े के संग ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। उसका मन है ऐसा तो क्या होता है कि वो ठिटक जाता है और फिर वो किस तरीके से आपके मूड में डेवलप होने लगता है? अब जैसे कभी होता है कि किसी चीज़ से वो डर रहा है, तो वो उसके पास, अपन चाहते हैं कि वहाँ से निकले पर वो नहीं निकलना चाहता है, तो उस टाइम में ऐसा आता है कि सबसे पहले तो उसको काम करो, फिर उसके बाद देखो कि क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो डर क्यों रहा है उस चीज़ से, फिर उसका धीरे धीरे, अगर समझ लीजिए अपन को राइट से जाना है, वो राइट से नहीं जाना चाह रहा है, तो उसको एक बार राउंड घुमा के ले आइए दूसरी जगह से, उसके बाद फिर ट्राई करिए, तो ऐसे अपन को उसका समझना पड़ता है कि वो क्या सोच रहा है। आपको तो लक्ष्य मालूम होता है कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे यहाँ तक इसको, घोड़े को लक्ष्य कैसे समझाते हो आप? वो तो घोड़े को भी समझ में आ जाता है कि प्रैक्टिस से उसको भी समझ में आता है कि ये मुझसे क्या चाहते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो तो घोड़े को भी मालूम रहता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है घुड़सवारी? सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, आपका और घोड़े का कोऑर्डिनेशन मेन है। प्रैक्टिस कितनी मायने रखती है? प्रैक्टिस से ही कोऑर्डिनेशन बनता है, तो प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है ही। प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस से कोऑर्डिनेशन बनता है और फिर हम उसको दौड़ाना शुरू कर सकते हैं, उसकी सवारी शुरू कर सकते हैं। सक्षम, अगर आपको लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटी मिले कि आप आगे की जनरेशन के लिए कुछ कर सकें, तो क्या करेंगे इस फील्ड से रिलेटेड? मतलब मैंने सोचा तो है कि मैं अपनी भी एक अकेडमी डालना चाहता हूँ, तो उसी में अगर उसमें मैं जो टैलेंटेड हैं और जो सही में करना चाहते हैं उनको भी सिखाना चाहूँगा। सक्षम, आपने बताया ये बहुत खर्चीला स्पोर्ट है जी, तो इस खर्चीले स्पोर्ट को आप अकेडमी डालना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं, तो जो बच्चे बेचारे फाइनेंशली वीक होते हैं, जो इस स्पोर्ट को नहीं इंजॉय कर पाते हैं और शौक होता है उनको, उनके लिए क्या करें? उनके लिए मैं, अगर वो ही मैंने कहा कि अगर वो टैलेंटेड हैं तो उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाहूँगा, अगर मैं देखूँगा अगर उनमें टैलेंट है और वो कर सकते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। सक्षम, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो बीबीए कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। आगे क्या, कहाँ, कैसे करियर बनाने का सोचा आपने? आपने अपने फ्यूचर में क्या सोचा हुआ है कि मेरे को ये करना है? आगे तो एमबीए करके बिजनेस करने का ही सोचा है। पर बिजनेस ही क्यों? क्योंकि फैमिली वैसे तो बिजनेस वाली है, पर मैं भी चाहता हूँ कि मैं बिजनेस ही करूँ, मैं बिजनेस ही करना चाहता हूँ। क्योंकि फैमिली बिजनेस से संबंध रखती है, इसलिए आप बिजनेस करना चाहते हैं। ये फैमिली सपोर्ट के लिए करना चाहते हैं या खुद के लिए कुछ? नहीं, मैं खुद ही चाहता हूँ कि बिजनेस करूँ, और फैमिली बिजनेस भी नहीं करना चाहता हूँ, अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहता हूँ। काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, समाज बदल रहा है, बिजनेस के तरीके बदल रहे हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या आइडिया आता है कि मैं मेरे परिवार में जो बिजनेस हो रहा है इससे कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ? मतलब जैसे मैं तो माइनिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो और फैमिली बिजनेस तो काफ़ी अलग है और अब ट्रेडिशनल हो चुका है, सही बताऊँ तो फैमिली बिजनेस ट्रेडिशनल हो चुका है, तो अब टाइम चेंज हो रहे हैं, तो टाइम के हिसाब से चेंज भी होना पड़ेगा, समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। फैमिली बिजनेस ट्रेडिशनल होता जा रहा है, आज की जनरेशन है कुछ बहुत हटके और अलग करना चाहती है, और शायद स्पोर्ट भी बहुत हटके और अलग चूज़ किया है, घुड़सवारी। घुड़सवारी में ऐसी कोई खास चीज़ जो लोगों को नॉर्मली नहीं मालूम होती है जो आप बता सकते हो? हाँ, एक है, थोड़ी फनी है, कि घोड़े चने नहीं खाते हैं, एक ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा, घोड़े चने नहीं खाते हैं। तब ये शॉकिंग है और हमारे लिए भी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कई बार कि चना खिलाना है घोड़ों को और घोड़ों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, गुड़ और चना खिलाते हैं। गुड़ खाते हैं, चने नहीं खाते।
क्या कारण है, और लोग उनको फिर चने से क्यों जोड़ देते हैं, क्यों खिलाते हैं? मतलब जैसे जो लोकल जो होते हैं शादी वाले वो तो खिलाते हैं, पर जो हमारे स्पोर्टिंग हॉर्सेस होते हैं उनको चने नहीं खिलाते हैं, क्योंकि चने उनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। जैसा आपने बताया जो स्पोर्ट्स में आप जिन घोड़ों को यूज़ करते हो वो चने नहीं खाते क्योंकि डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। ऐसी अब हम बात करेंगे कि घोड़ों को खिलाते क्या हैं, जो इतने पावरफुल होते हैं, जो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, स्पोर्ट्स के लायक हो जाते हैं, उनकी डाइट क्या होती है? उनकी एक स्पेशल डाइट होती है, उसमें कॉर्न, बाजरा, गेहूं और दो तीन सब्स्टिट्यूट ऐड करके उनको डाइट दी जाती है। किस तरीके से खिलाते हैं, क्या टाइमिंग रहती है, कितनी बार उनको खिलाते हैं? दिन में 3 बार खिलाते हैं, मॉर्निंग और आफ्टरनून और रात में। ये सब कच्चा अनाज उनको हाँ खिलाया कच्चा जाता अनाज बॉइल्ड करके खिलाते हैं, कच्चा नहीं खिलाते, बॉइल्ड करके खिलाते है? तो चने बारात वाले घोड़े खाते हैं, नॉर्मली जो घोड़े दौड़ते हैं, जो आपको पदक दिलाते हैं, वो चने नहीं खाते। ये हमको आज आपने बहुत अलग सी चीज़ बताई है। और क्या कुछ ऐसा रोचक चीज़ें जो घोड़ों के बारे में नॉर्मल लोगों को नहीं मालूम हो? कि घोड़ों का दिमाग नॉर्मल सारे जानवरों से सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा दिमाग घोड़े का होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ घोड़ा अपना दिमाग कर सकता है। ओके, सबसे ज्यादा यूज हाँ घोड़ा कर अपना सकता दिमाग है, कर सकता है। तो वो टारगेट इसीलिए आप लोग के संग सेट कर पाता है क्योंकि उसकी सोच बहुत हाँ तेज होती है, जान चीजें बहुत जल्दी पहचानने लगता है। घोड़े पर हमने देखा है कि उसके यहाँ बांध दिया जाता है, तो वो क्या लॉजिक है? नहीं, वो तो सिर्फ शादी वाले बांधते हैं, नॉर्मल किसी घोड़े को नहीं बांधते हैं। कहते हैं घोड़े को इसलिए बांधा जाता है कि उनको सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे, ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ शादी में रहता है कि वो आजू बाजू देख के डरे ना, बाकी हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। मतलब कुछ अलग चीज़ नहीं है, हाँ कुछ कुछ अलग नहीं है, लेकिन आप कितना समझ पाते हो घोड़ों को और घोड़ा आपको कितना समझ पाता है वो उस पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि घोड़े को चना खिला दिया, घोड़े की आंख पे एक कवर कर दिया जिससे वो इधर उधर ना देखे, ऐसा नॉर्मली घोड़े के नहीं, साथ ऐसा नहीं नहीं। करते। घोड़ा डरता किस चीज़ से है बहुत ज़्यादा? ब्राइट कोई ज़्यादा ब्राइट चीज़ से डरता है, या कोई चीज़ एकदम से जैसा चल रहा है एकदम से कुछ हिला या कुछ भी हुआ तो उससे डर जाता है, उससे डरता है। जैसे कुछ घोड़े पानी से भी डरते हैं, पानी में नहीं जाते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। कुछ 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 का रहता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे रहती है। घोड़े, अब आपने तो घोड़े को बहुत अच्छे से समझ लिया, आपको पता है कि वो डरता है इन चीज़ों से, खुश किन चीज़ों से हो जाता है? क्या लगता है कि घोड़ा इस टाइम बहुत मूड में है? शाबाशी, अगर उसको शाबाशी दिया आपने तो उससे खुश होता है, बाकी अगर कुछ मीठा खिलाया आपने, गुड़ वुड़ खिलाया है तो उससे खुश होता है। जब आपको घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी जाती है जी तो क्या क्या चीज़ें विशेष तौर पर ट्रेनर आपको समझाता है सबसे पहले घोड़े के लिए? सबसे पहले तो उसका पूरा जो भी सैडलरी यूज़ करते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, आपको अपना कैसे उसको यूज़ करते हैं सैडलरी को वो आना चाहिए, कैसे माउंट होता है, कैसे जो उसको स्टिरअप उनको पकड़ते हैं, कैसे पैर रखना है, वो सब बेसिक चीज़ें होती हैं, वो सबसे पहले सीखनी होती हैं तो ये सारी बेसिक चीज़ें सीखने में कितना वक्त लग जाता? आपको। बेसिक चीज़ें 1 से 2 महीना लगता है सब कुछ। आप फिर उसके बाद आप मालिश कैसे करनी है घोड़े की, ये सब सिखाते हैं। घोड़े की मालिश करना, घोड़े को टाइम पर खाना खिलाना, घोड़े के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको शाबाशी आप देते रहेंगे तो वो आपका अपना बना रहेगा। उसको घोड़े, आपको तो घोड़े पे भरोसा होने लगता है कि मुझे, लेकिन घोड़े को आप पे भरोसा होने लगा ये आप कैसे अंदाज़ा लगा? जो आप चाह रहे हैं अगर वो कर रहा है तो मतलब वो आप उसको भरोसा है आप पे, क्योंकि आप अगर आपको अपना घोड़ा पसंद है तो आप उससे कुछ ऐसा नहीं कराएंगे कि उसको इंजरी होए, तो अगर उसको भरोसा है कि ये सही है तो फिर वो उसको कोई प्रॉब्लम, वो आप मतलब आप पे ट्रस्ट करता है और आप जो बोलोगे वो करने के साथ। ट्रेनिंग में आपको और क्या क्या सिखाया जाता है? ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, आगे फिर जब पायदान बढ़ने लगता है और मैच्योर होने लगते हैं आप, तो और क्या क्या चीज़ें हैं और बेसिक तो स्पोर्ट्स क्या क्या हैं घोड़े के साथ? सबसे पहले तो आपको बेसिक नॉर्मल राइडिंग सिखाई जाएगी, उसके बाद फिर अगर आप सही कर रहे हो तो आपको ड्रेसाज में बेसिकली आपका और घोड़े का कोऑर्डिनेशन का गेम होता है, उसमें एक कोच सेट रहता है, उसमें आपका कोऑर्डिनेशन चेक करा जाता है घोड़े के साथ। और फिर उसके बाद जैसे जैसे है तो फिर शो जंपिंग, उसके बाद आपका टेंट पेगिंग और फिर पोलो होता है, ऐसा गेम तो ये होता है। सारे स्पोर्ट्स आप खेल चुके हैं? नहीं, अभी पोलो मैंने खेला नहीं है, पोलो एक थोड़ा अलग फील्ड है, और मतलब यहाँ पे हमारी एकेडमी में पोलो होता नहीं था तो पोलो नहीं खेला है।
पोलो के लिए कभी आपने सोचा है फ्यूचर में आप कभी पोलो नहीं, खेले पोलो या नहीं खेलना सीखेंगे? चाहता। कोई शो इंटरेस्ट जंपिंग, शो जंपिंग, शो जंपिंग, शो जंपिंग में क्या अलग अलग चीज़ें रहती हैं? शो जंपिंग में यही होता है, एक कोर्स रहता है, कोर्स बस, कोर्स कैसा भी लग सकता है, हर्डल्स कैसे भी लग सकते हैं, बस आपको अपने घोड़े को उसके एक घेरे से निकालना और उसको जंप कराना। और हाईएस्ट कितना जंप कर जाता है? जैसे अभी अपने इंडिया का रिकॉर्ड है 197 सेंटीमीटर का हाईएस्ट रिकॉर्ड है इंडिया का रिकॉर्ड है। आपने कितना रिकॉर्ड? मैंने 145 तक तो ये आपने अपने भोपाल में किया है या कहीं अदर? नहीं, ट्रेनिंग में भोपाल में करा है, भोपाल में। अब जैसा कि आपने अभी जूनियर लेवल खेल लिया है तो सीनियर्स के लिए भी आप कुछ आगे बढ़ रहे हैं, करने का सोचा है आपने? हाँ, सीनियर्स में भी इसमें ऐसे कैटेगरीज रहती हैं, जूनियर के बाद सीनियर। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्राइटेरिया वो करनी पड़ेगी, आप अपना जैसे भी, सीनियर कोई भी खेल सकता है, अगर आप कोई भी एज ग्रुप का सीनियर खेल सकता है। सीनियर अपनी कैटेगरी नहीं होती है, वो घोड़े की कैटेगरी होती है, वो घोड़े पर डिपेंड करता है कि घोड़ा सीनियर कैटेगरी उस हाइट का कोर्स खेल सकता है कि नहीं खेल सकता। ये है सक्षम, और सक्षम हमारे स्टूडियो में आकर हमको बता रहे थे कि घुड़सवारी का शौक ही नहीं, घुड़सवारी एक स्पोर्ट भी है, थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन खेला जा सकता है, और जिसको शौक हो, जो इसमें इंटरेस्ट रखता हो, वो घोड़े पर पकड़ अच्छी बना सकता है। पहले घोड़ा आपको घुमाता है और फिर आप घोड़े को दौड़ाते हैं। दो साल का वक्त सक्षम को लगा। सक्षम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके सामने इस तरह के हुनर लाते रहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।